हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग क्लास फोर मैथ्स चैप्टर नंबर इलेवन टेबल्स एंड शेयर्स बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने श्यामज गार्डन के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है हाउ मैनी कैट्स कितनी कैट्स हैं आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कुछ कैट्स के आपको यहाँ पर लेग नजर आ रहे हैं सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन अ बॉक्स तो गायत्री जो एक गर्ल है उसकी कुछ कैट्स हैं कि जो कि एक बॉक्स के अंदर खेल रही हैं वैन शी ट्राइड टू काउंट ऑल शी कु जब उसने उन्हें काउंट करने का ट्राई किया तो उसने देखा कि उसे तो केवल यहाँ पर कैट्स के लेग्स ही दिखाई दे रहे हैं शी काउंटेड ट्वेंटी एट लेग्स अब उसने जब काउंट किए तो उसे यहाँ पर मिले ट्वेंटी एट लेग्स हाउ मैनी कैट्स आर देअर इन द बॉक्स तो बताइए बॉक्स में कितने कैट्स हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि एक कैट के होते हैं फोर लैक्स तो ट्वेंटी एट लैक्स हैं मीन्स वहाँ पर कितनी कैट्स होनी चाहिए हम क्या करेंगे ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फोर और हमें आंसर मिल जाएगा विच इज सेवन मीन्स वहाँ पर सेवन कैट्स हैं तो जब आपको आ गया है इसका आंसर तो चलिए हम गायत्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं गायत्री अभी गैस कर रही है एट लैक्स मीन्स टू कैट्स ट्वेल्व लैक्स मीन्स ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर मीन्स थ्री कैट्स हाउ मैनी लैक्स इफ देयर आर वन कैट इट शुड बी फोर लैक्स टू कैट्स देन एट लैक्स तो थ्री कैट्स होंगी तो हमारे पास होंगे ट्वेल्व क्स इसी तरह से अगर फोर कैट्स हुई तो कितने लैग होंगे फोर कैट्स होंगी तो फोर टाइम्स फोर मीन्स सिक्सटीन लैक्स इफ़ द नंबर ऑफ कैट्स आर फाइव देन देयर विल भी फाइव टाइम्स फोर मीन्स ट्वेंटी लैक्स इफ़ द नंबर ऑफ कैट्स आर सिक्स हाउ मैनी लैक्स विल भी देयर सिक्स टाइम्स फोर सो इट इज ट्वेंटी फोर If the number of cats are 7, legs will be 28. If the number of legs are 32, how many cats will be there? We will write here 32 divided by 4. So, 8 cats. So, 28 legs means there are 7 cats. तो आपने तो बहुत इजीली गायत्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिल्लो हैज कैप्ट चिकन्स इन अ बॉक्स बिल्लो ने अपने चिकन्स को मीन्स मुर्गियों को बॉक्स में रखा है ही काउंटेड ट्वेंटी एट लेग्स और उसने जब काउंट किया तो उनके लेग दिखे उसे ट्वेंटी एट हाउ मैनी चिकन्स आर देयर तो बताइए वहां पर कितने चिकन्स हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि चिकन्स के लैग होते हैं टू अब जब ट्वेंटी एट लैग्स हैं तो चिकन्स होंगे ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय टू मीन्स फोर्टीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीला हैज़ नॉट गोन टू स्कूल फॉर ट्वेंटी वन डेज लीला ट्वेंटी वन डेज के लिए स्कूल नहीं गई क्या रीज़न रहा ये तो लीला ही जाने फॉर हाउ मैनी वीक्स वॉश यू अवे फ्रॉम स्कूल तो बताइए कितने वीक्स के लिए वो स्कूल से दूर रही मीन्स वो स्कूल नहीं गई तो बच्चों आप जानते हैं कि एक वीक में होते हैं सेवन डेज तो ट्वेंटी वन डेज़ के लिए वो स्कूल नहीं गई मीन्स हम डिवाइड कर देंगे ट्वेंटी वन डेज को सेवन से जिससे कि हमें नंबर ऑफ वीक्स पता लग जाए और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा थ्री इसे आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेवन की टेबल आप थ्री टाइम्स रिसाइट करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी वन इसी तरह से टू की टेबल आप फोर्टीन टाइम्स रिसाइट करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी एट या फोर्टीन की टेबल को आप टू टाइम्स रिसाइट करिए इट इज ट्वेंटी एट तो लीला थ्री वीक्स के लिए स्कूल से दूर रही आई होप बच्चों टेबल्स एंड शेयर्स का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ टिल देन बाय अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें थैंक यू